बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? तो आज जैसे कि संडे है, कल रात को काफ़ी हवाएं, मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ था। मैंने सोचा बारिश होगी, काफ़ी खूबसूरत मौसम हो जाएगा, लेकिन वैसे ही गर्मी है, वैसे ही हबस है, कुछ भी नहीं। हवाएं चलने का ये हुआ कि इतनी मट्टी घर में हो गई है, काम वाली दोनों आज नहीं आई और सुबह से मुझे इतना काम करना पड़ा है ना कि काफ़ी मैं थक गई हूँ। अब काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन चार पाँच का टाइम हो गया। तो अभी काम खत्म हुआ है तो मैंने सोचा पहले चाय बना लूँ, चाय पी लूँ, काफ़ी थकावट हो गई थी। और दूसरा कुछ किचन का सामान अभी लाने वाला है, अभी मैंने देखा काफ़ी ख़त्म हो गया है क्योंकि ईद की शॉपिंग की हुई है, रमज़ान में शॉपिंग की थी, उसके बाद किचन के लिए शॉपिंग नहीं की गई ना, तो काफ़ी सामान कम है। तो अभी मैं भाई के साथ वहाँ शॉपिंग के लिए जाने वाली हूँ और आप लोग भी साथ रहिएगा। तो चलिए चाय बना लेते हैं और चाय के बाद हम लोग निकलते हैं मार्केट। तो घर से निकल चुके हैं इस वक्त हम लोग, तो भाई दोनों मेरे साथ हैं, मॉल जा रहे हैं, शॉपिंग करनी है, कुछ किचन का सामान लेना है, कुछ भाई ने अपने लिए शॉपिंग करनी है। बस इसी तरह काफ़ी दिनों से प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन फिर बहुत सारे काम इधर उधर रुक जाता था कि नहीं जा पाते थे, लेकिन आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं। इस वक्त काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है, तकरीबन छः बजे का ये टाइम है ना, तो धूप की शिद्दत ख़त्म हो चुकी है और लोगों का बाहर काफ़ी रश है, संडे का दिन है ना। तो भाइयों के साथ मैं भी हूँ और मैं उनके साथ ही पीछे बैठी हुई हूँ और भाई मुझे थोड़ा सा कर रहे हैं तंग कि बोल क्यों नहीं रही। वो मैं इसलिए नहीं बोल रही कि आज काम करती रही हूँ ना कुछ ज़्यादा ही, तो इसलिए ज़रा बिज़ी काफ़ी ज़्यादा रही हूँ ना, तो थोड़ा सा हो गया है। तो लेकिन अब मैं फ़्रेश हो गई हूँ, बाहर आ गए ना, तो मूड अच्छा हो गया है क्योंकि थोड़ा सा घूमने फिरने से भी ना थकावट उतर जाती है, मूड अच्छा हो जाता है। भूख भी लगी हुई है, कुछ खाएंगे भी और शॉपिंग वगैरह भी साथ करेंगे। तो ये देखे काफ़ी लोगों का रश लगा हुआ है ना, ये मॉल से बाहर हम लोग आ गए, यहाँ पे इजाज़ मॉल ना, तो गाड़ियों का काफ़ी रश है, संडे है ना, तो बहुत सारे लोग मेरे ख्याल में आज के दिन जा रहे हैं ना मॉल में, क्योंकि संडे को सबको छुट्टी होती है इसलिए। तो अब यहाँ देख रहे हैं, अंदर आए, पहले बाहर खड़े रहे, इतना रश था, अब अंदर आए तो गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी ना। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। आम दिनों में भी काफ़ी रश होता है ना, लेकिन संडे वाले दिन स्पेशल रश होता है। वो इसलिए होता है कि सबको छुट्टी होती है, सब घर होते हैं, सबका मूड होता है चलो आज शॉपिंग कर लें, कुछ खा पी लेंगे, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, क्योंकि मिल के साथ शॉपिंग करने में और घूमने फिरने में ज़्यादा मज़ा आता है ना, कि आप अकेले हों तो वो मज़ा नहीं आता जो सबके साथ आप जब मिल के शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, बाहर आए हुए होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा देखें ये कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये देखें ज़रा, बहुत ही रश लगा हुआ है ना। तो चलें अब हम अंदर चलते हैं मॉल में, पहले मैं भाई के साथ अपनी एक पिक बना लूं। चले जी, बन गई। तो चले अब हम लोग अंदर चलते हैं। मॉल के अंदर हम लोग आ चुके हैं। नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अब करते हैं शॉपिंग। तो मैं तो इधर LED वगैरह देख रही थी घर के लिए ना, कि कौन से वाली ली जाए, लेकिन भाई इधर अपने लिए किचन के लिए बर्तन देख रहा है। आपको पता है बर्तन वगैरह तो टूटते रहते हैं, हर दूसरे दिन उनकी कोई ना कोई चाहिए होते हैं, तो वो अपने इधर बर्तन देख रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं अपने लिए कोई मग वगैरह देख लूँ, मग कोई अच्छा सा कप सेट देख लूँ। तो मुख्तलिफ डिज़ाइन मुझे नज़र आए, तो मुझे एक बहुत अच्छा लगा, वो मैंने ले लिया घर के लिए। तो रियाज़ भाई और इजाज़ भाई तो अपनी अलग से शॉपिंग करते रहे। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा सामान लिया है, तो इधर हम लोग आ गए। फिर भाई ने कहा कि मैं अपने लिए कोई शर्ट्स वगैरह देख लूँ, तो भाई को कोई पसंद नहीं आई ना, काफ़ी उन्होंने इधर उधर देखी ना, तो अच्छी नहीं लगी। तो मैंने भाई से कहा कि अब पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि खाने से भी फ्रेश हो जाता है ना। तो मैं भाई को रोक रही हूँ कि बाद में कर लीजिएगा शॉपिंग। तो हम लोग इधर आ गए हैं, KFC आ गए हैं, तो इधर से हम लोग खाएंगे, बर्गर वगैरह खाएंगे, ताकि वो थोड़े से फ्रेश हो जाए ना। तो इधर तो काफ़ी रश लगा हुआ है ना लोगों का, ये देखें बहुत रश है। तो हमारी बारी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि रश थोड़ा कम होगा तो आएगी ना। ये देखें इधर बैठे भी काफ़ी सारे लोग हैं। रश की वजह से ना हमें कम से कम इधर 20 मिनट हम लोग इधर रुके हैं, तो 20 मिनट के बाद हमें खाने को मिला। तो बर्गर्स आ गए हैं हमारे KFC के, तो आते ही हमने खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी कुछ शॉपिंग हमने की है और थोड़ी सी अभी शॉपिंग रह गई है ना भाई की ना। तो इजाज़ भाई को ये KFC का बर्गर काफ़ी हद तक पसंद है ना, तो इसलिए हम लोग इधर KFC आ गए ना। इधर आके पहले खाना खा लेते हैं, कहा मैंने ही ज़्यादा है कि पहले खाना खाते हैं, और फिर हमने आइसक्रीम खाई इधर से खाना खाने के बाद, और आइसक्रीम खाई, फिर थोड़ा सा हम लोग फिर शॉपिंग की, और फिर हम लोग इधर आ गए कॉफ़ी पीने के लिए। और क्योंकि चाय कॉफ़ी कुछ ना कुछ होना ज़रूरी होता है। अब भाई को कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, मैंने कहा चलें ठीक है कॉफ़ी पीते हैं। आपको पता है मुझे तो चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन भाई को कॉफ़ी पसंद है। फिर हमने कॉफ़ी पी और फिर हम लोग घर के लिए निकल आए। तो यहाँ पे हो गई है हमारी शॉपिंग ख़त्म, हम लोग जा रहे हैं। और साथ ही साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।